ये अपने भाई के साथ, तो इसमें और इसमें पानी ऐड करूँगी। तो जी जनाब, यहाँ पर आधी रात को लग चुकी थी भूख, तो हमने सोचा मंगवा लेते हैं पराठे, और साथ तो भुजिया तो बनी हुई थी ऑलरेडी घर पे, तो फिर साथ बना ली गई चाय। शौलमियत ने जल्दी जल्दी से चाय बना ली, और हमने इनके बाबा से, हस्बैंड जी से मंगवा लिए पराठे। और यहाँ पर हम कर रहे हैं इंजॉय, और हम खा रहे हैं। हस्बैंड जी भी हम हेलो, क्या मजेदार बाबा को कर रही हूँ। और यहाँ पर सन्नाटा का बहुत गुस्सा आ रहा है, हमने उसके लिए नहीं छोड़ा, मेरा शौलमित कर इनके बाबा को। जैडा का आज कह दिया कि मेरा रोज़ा है, मैं नहीं खाऊंगी, तो खैर वो उसका हम सुन लो, जाग रही है। और टाइम तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, ओ माय गॉड, 3:03 हो चुके हैं, और हम पराठा एंजॉय कर रहे हैं। आप भी आज जिस दिन से खाना पराठा चाय इंजॉय करें, और हमारे साथ ही बने रहें, और वीडियो को जल्दी से कर दें मज़ेदार सा लाइक। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो यहाँ पर मैंने सूजी को पहले बिल्कुल सादा से हल्का सा मैंने ब्राउन कर लिया था, मींस गोल्डन कर लिया था, बोले कि ब्राउन तो है नहीं है, मतलब कि इसको भून लिया था बगैर ऑयल के। और फिर यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, उसके अंदर डाल दिया मैंने इलायची तोड़ कर। तो अब इसके अंदर मैं डालने लगी सूजी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने वोट कास्ट कर दिया होगा, क्योंकि आज वोटिंग थी हमारे पाकिस्तान में, तो आप लोगों ने अपना वोट कास्ट किया होगा, तो हम लोगों ने तो अपना वोट कास्ट कर लिया है। तो अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। तो ये हम सारे पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि हम अपना वोट कास्ट करें, और लास्ट में हमें निकलना चाहिए था, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने किया होगा। तो अभी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं सूजी, और आवाज़ ही नहीं शिश की। अच्छा तो कोई बात नहीं, शिश की आवाज़ तब आएगी जब हम पानी डालेंगे। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना, कहीं नहीं जाना है। और देखिए आज बनने लगा है मज़ेदार सा सूजी का हलवा। किसकी जीत में, किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। ऑयल डलने के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी गोल्डन हो चुकी है। खुशबू आ रही है शॉलमेट? अच्छा भाई, शुरू में तो खुशबू आ रही है, मुझे खुशबू नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। तो अब ये इसके साथ ही हम जब ये भुनेगी ना, आई थिंक मेरी नोज़ बंद है। आज मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी, बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था। तो हाँ नहीं, फ्लू तो नहीं हो रहा था, बस ऐसे छींकें आ रही थी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अब ये गोल्डन हो गया। अब इसके साथ ऐड कर दूँगी चीनी, और चीनी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर दें, मैं तो यही डालती हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने ऐड कर दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। शीरा बना के भी मैं डालती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था, गैस आ रही थी। तो और ये पानी है, हम इसमें ऐड करेंगे। पहले इसकी आवाज़ आप सुनिएगा, और ये देखिए, और फिर आपने इसको और थोड़ा सा भूनना है। इससे बहुत मज़ेदार और दानेदार सूजी बनती है, और ये एक शरारत होती है मेरी जब मैं इसमें पानी डालती, मुझे बड़ी अच्छी इसकी आवाज़ लगती है। और ये देखिए, पर मैं इसमें कलर नहीं डालूंगी, कलर के बगैर बनाऊंगी, इसलिए मैंने गोल्डन सी कर ली थी, मुझे कलर के बगैर इससे होते, मुझे कलर वाली सूजी अच्छी नहीं लगती। हलवा, और ये देख सकते हैं आज ये हलवा बन रहा है शौलमित की फरमाइश पर। शौलमित का काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था हलवा खाने को, तो लेकिन घर में कुछ भी नहीं है, बस अब सादा सा हलवा ही बनेगा। शौलमित ने कहा हमें ये भी मंजूर है। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये अब मैं और इसमें पानी ऐड करूँगी, बाद में जो गुठलियाँ बन गई है ना वो सही हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना मज़ेदार यमी यमी सा हलवा बनकर तैयार हो चुका है, और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, और मेरे बच्चों को भी। वैसे तो कलर डालते हैं, लेकिन मैंने कलर नहीं डाला, और कितना मज़ेदार हलवा है। तो जल्दी जल्दी बना है अभी, क्योंकि घर में कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं थी सिवाय इलायची के। तो अभी बन चुका है, और अभी खाएंगे हम लोग मज़े मज़े से। यम्मी यम्मी मज़ेदार गरम गरम सा हलवा, जिस जिसने खाना है आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो अभी हम खाते हैं हलवा और इन्जॉय करते हैं हलवे को, आप लोग हमारे साथ ही बने रहिए। और जी गाइस, मेरे बेटा भी ट्यूशन से आ चुका है, तो अभी अपने बेटे से भी मिलवाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। और मेरी बेटी जनेडा का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, ये इधर गया हाथ, बहुत
कल ये खेल रही थी ये अपने भाई के साथ, तो इसका हाथ दब गया नीचे, जिसकी वजह से इसको चोट आ गई है, फ्रैक्चर हो गया। आपने बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखना है, और मुझे पता है मेरी भाई जी फैमिली जब भी प्रे करती है तो मेरे बच्चे ठीक हो जाते हैं और सब ठीक हो जाते हैं, तो हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करेंगे, हमें दुआओं में याद रखना। तो अभी हम खाने लगे हलवा, जो हमने मज़ेदार सा बनाया है, तो आपने मर्जाती रहना है और इन्जॉय करना है हमारी वीडियो को। मिलेंगे आपको एक अच्छे से व्लॉग के साथ कल इसी टाइम सेम टाइम। मुझे और मेरी फैमिली को दे इजाज़त, बाय।